नमस्कार, आप देख रहे हैं N24। आपके साथ में हूं सुनील विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है पन्ना से, जहां मंत्री कुसुम महदेले के काफिले को ग्रामीणों ने रोका है। आपको बता दें कि शौर्य दिवस के कार्यक्रम से लौट रही थी मंत्री कुसुम महदेले। डैम का पानी गांव के अंदर भरने से है नाराज ग्रामीण। इटावा खास गांव के ग्रामीणों ने रोका है। पन्ना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डैम का पानी गांव में भरने से ग्रामीण नाराज हैं। मंत्री कुसुम महदेले के काफिले को ग्रामीणों ने रोका है। शौर्य दिवस के कार्यक्रम से लौट रही थी मंत्री कुसुम महदेले। आपको बता दें कि गांव में डैम का पानी भर गया है, जिसके कारण ग्रामीण आक्रोशित हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने मंत्री के काफिले को रोका। अपनी बात जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए इस कदम को उठाया गया ग्रामीणों ने। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं संवाददाता सुशांत। सुशांत, आपसे जानना चाहेंगे, पन्ना में ग्रामीणों ने मंत्री कुसुम महदेले के काफिले को रोका है अपनी बात रखने के लिए, क्या कुछ है ताजा अपडेट? बिल्कुल सुनील, ये शौर्य दिवस के कार्यक्रम से जो कि ब्रजपुर में मौजूद ब्रजपुर में था, उससे लौट रही थी, वहीं इटवा खास में ग्रामीणों ने इनका काफिला रोक लिया। काफिला रोकने के बाद उनकी जो मांग है बहुत जायज है कि एक यहाँ पर सिरसवाहा डैम है, उस सिरसवाहा डैम के में जब पानी भर जाता है तो उसके वेस्ट वेयर से जो पानी निकल कर आता है उससे काफी गांव डूब जाते हैं, जिस कारण से आवागमन और रास्ते भी अवरुद्ध हो जाते हैं। इसको लेकर उन्होंने मंत्री कुसुम सिंह महदेले से अपनी बात रखी, लेकिन उन्हें कोई जो संतुष्ट जवाब है वो नहीं मिल पाया और सीधे तौर पर बस चंद कदम चलकर मंत्री जी अपनी गाड़ी में बैठकर फिर से वहां से निकल गई। और जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों का जो वहां पर रवैया था वो भी बहुत ग्रामीणों को आक्रोशित करने वाला निकल कर आया। लेकिन सुशांत, सवाल ये निकल कर सामने आता है, अगर ग्रामीण जिम्मेदार अधिकारियों तक अपनी बात नहीं रखेंगे, मंत्रियों तक बात अपनी नहीं पहुँचाएंगे, तो समस्याओं का समाधान आखिर कैसे होगा? बिल्कुल सुनील, और समस्याओं का समाधान हो भी नहीं रहा है, इसीलिए ग्रामीणों ने उनका रास्ता रोका, क्योंकि उनका सीधे तौर पर आरोप है कि वो कई बार आवेदन दे चुके हैं समस्या को लेकर, फिर भी जिला प्रशासन इसमें किसी कोई कठोर कदम नहीं उठा रहा, जिस कारण से ये समस्या लगातार सामने निकल कर आ रही है। चलिए, जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो बेहद एक कहा जा सकता है आक्रोशित ग्रामीण रहे जिन्होंने मंत्री का रास्ता रोका अपनी बात रखने के लिए, लेकिन देखना होगा कि मंत्री के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज